परिक्रमा मार्ग है जिसमें तीन तरह के नारियल गोले यानी अर्जी बंधी हुई है, लाल, पीला और काला। तीनों अर्जियों का अपना अलग ही महत्व है। तकरीबन 400 मीटर की एक परिक्रमा है। ये परिक्रमा मार्ग जो है फिलहाल ही बनाया हुआ है, तकरीबन 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर ये परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी गिट्टियाँ भी हैं और कंकड़ हैं जो पैरों में चुभते हैं, लेकिन परिक्रमा है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है परिक्रमा बंद हो चुकी है। वहाँ पर पहले ऊपर ही लगा करती थी परिक्रमा, जो है मंदिर बालाजी का मंदिर, हनुमान जी का, उसी मंदिर की परिक्रमा लगती थी, लेकिन वो अभी हो चुका है बंद, क्योंकि रेलिंग वगैरह लगा दी भीड़ को देखते हुए। तो परिक्रमा जो है पूरे प्रांगण की लगानी पड़ती, जो कि 300 से 400 मीटर के आसपास परिक्रमा हो चुकी है लंबी। तो ऐसा बता दें कि 21 परिक्रमा जो है लगानी है, और लेकिन 21 परिक्रमा लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो 21 परिक्रमा तकरीबन 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाती है लगाते लगाते, और टाइम भी हो जाता है काफ़ी, घंटे 1.5 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा है ही ऐसी, पैरों में कंकड़ भी चुभते हैं और भीड़ भी रहती है। तो जो परिक्रमा मार्ग है वो तो आप देख ही रहे हैं कैसा दिख रहा है, कंकरीला है। और ये इस तरह पहाड़ी सी चोटी सी बनी हुई, चोटी पर इस पर हनुमान जी विराजमान हैं। ये अभी भी काम चल रहा है, साइड में आप देख रहे हैं, ये टीन लगाई हुई है, सन्यासी बाबा का जो समाधि स्थल है उस पर टीन लगा के, ये कल रात में लगी हुई है, कल तक ये खुला था। तो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है काफ़ी ज़ोरों से, है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो बढ़ रहा है। ये तमाम दुकानें परिक्रमा मार्ग में देख रहे हैं। अगर आप इसी को देखते अगर आज से 6 महीने पहले, तो एक भी परिक्रमा मार्ग में कोई दुकान नहीं थी, परिक्रमा मार्ग ही नहीं था 6 महीने पहले तक, यहाँ तक 3 महीने पहले तक कोई परिक्रमा मार्ग था नहीं था, लेकिन अभी परिक्रमा मार्ग बन गया है, दुकानों की वृद्धि हो रही है। तो लगता है आने वाले जिस तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से आने वाले 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और लेकिन गलत बात ये है, यहाँ पर थोड़ी सी लगी है मुझे क्या है ही, क्या कि लोकल के जो लोग हैं उनकी दुकानें वगैरह कम हैं यहाँ पे, सिर्फ उन्होंने किराए पे उठाया हुआ जगह अपना, बाद में जितने भी दुकानदार हैं जो भी हैं सारे बाहर के हैं, यहाँ से छतरपुर के नहीं हैं, खजुराहो के नहीं हैं, दूर दूर के हैं, और सारा वो देख रहे हैं। तो यहाँ के लोकल के लोगों की इसमें रुचि नहीं है कि वो खुद दुकानें खोलें, खुद चलाएँ, क्योंकि जैसा ब्रज में बताते हैं, ब्रजवासी की दुकान से खाना खाना एक अद्भुत आनंद होता है, एक बाहर वाला कोई आके खोल ले उसकी दुकान से, वो चीज़ें हैं। और ये मंदिर, हवन कुंड, और ये दुकानें आई गई।